और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल, पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह, हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है, कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही, ये हाँ, ये अच्छा है। अजिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है, इसे सभी पसंद करते हैं। लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है, इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। ओ, माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी, मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा, इस सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीच से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं, और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो, इस फाउंटेन को ले, वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाओ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर, चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है, ये बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी, आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे, आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वफल तैयार करें, मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ, ये वफल बनाने का समय है। वफल? ये मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सब को अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वफल मेकर में डाल देती हूँ, और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है, यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विश की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सर तैयार है, अब मुझे भी इसे वफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं?
मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हमें एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है। हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तड़ाम, सब कुछ तैयार है। वफल को टुकड़ों में काट कर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। बीकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वफल भी तैयार है। वाओ, मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। ओह, मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाओ, कितना दिलचस्प है, सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वफल है, कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, अब मैं महत्वपूर्ण चीज वफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वफल है। तो इस बार जीत रही है जेल। उसका वफल सबसे स्वादिष्ट है। ओ, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं, बर्गर मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया, अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालें। हालांकि कंजूसी क्यों, ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है, यह छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है, मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। अरे रुको, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है, मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोंगी ऐसे और फिर दूसरा।
इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा ये होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे है। Nice. रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाओ, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए। मेरे लिए डोनट्स बनाओ। ये तो आसान है। हाँ हाँ, यह हो जाएगा। अच्छी च्वाइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो, आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात सही तापमान सेट करना है। हाँ, मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ, यह आसान लग रहा है। हाँ। टॉम, अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो। रिलैक्स दादी, सब ठीक है। ओप्स, अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या वो दोनों अभी से तल भी रहे हैं? ठीक है ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1, 2, 3। ओ माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम, तुमने इतना क्यों डाला? हाँ सच में, मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। यह पूरा फेल हो गया है। नहीं, ओह, चिंता मत करो बेटा। चलो, मेरे डोनट्स लगभग तैयार है। अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो इसे यहाँ से काट दे। हाँ, एक इंसान अपनी आंखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। Awesome. इस तरह से। आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और मैं, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा चीज इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हो। हाँ okay. बढ़िया, मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोज लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया, अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ, ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया, पर किसी चीज की कमी है। ओ दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ? अच्छा, ले लो। धन्यवाद। फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही, अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, और अंदर एक फिलिंग भी है। ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है, चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, ये चीज डोनट है। यह तो कमाल का है, पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ हाँ, मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकती। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा।
मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा, बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं। एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ, और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा। सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया। थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा हैम, चीज और अब बस इसे सेकना बचा है। ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है। परफेक्ट। वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चलिए पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और आप सैंडविच और मीट के बिना यह क्या है? मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से। ओह, यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह, मुझे इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह, मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई। कितना भयानक है। और भी शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह, यह क्या गड़बड़ है। छी, कितना डरावना है। इसे हाउ के व्यंजन कहा जाता है। पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोर ब्लू चीज या सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया, यह फाइनल टच है। दादी, बस यह हो गया। ओह, कितना भयानक है। तो क्या आप तैयार हैं? वाह, कूल सैंडविच। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी, यह क्या है? यो, छी छी छी, क्या गड़बड़ है? ओह नो, यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, तो अब यह अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है। दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा, तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओह कूल। वाह, आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह, यह क्या है? ओह, तुम रुको टमाटर, मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहो यंग मैन, ये बहुत आसान है। देखो, एक और दो, बस हो गया। एक और दो, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद। और इसे काट कर डालना है। हाँ, एकदम सही। ओह, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगला और ढेर सारा बटर। सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटे। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ओह, ये तामझाम। हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह, आखिर वह कर क्या रही है? मुझे पता नहीं है। अजीब है। एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब। अब एक जादू होगा। अब इसका एक सॉसेज बनेगा। ओके। चलो, सैलेड पत्ते, टमाटर
और निश्चित रूप से चिकन डालें। Come on! ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे। I've got it. और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। Awesome! ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई थी, मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है इस तरह से। अरे ये क्या हो रहा है, सब्जियाँ काटना बहुत मजेदार है। ओह फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ मेरे पास एक शानदार आइडिया है, मेरे पास ये कूल गम है, मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूँगा। ओके। और ये गमी आइस और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोस और गमी बम्स डालता हूँ और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ देखो यह तैयार है, यह पूरी तरह से बेस्वाद है। केट हम तैयार है, चलो देखते हैं, मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? आ, आ, छी, क्या गड़बड़ है, निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ हाँ सलाद, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है, यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुरे! हाँ, विक्ट्री, ये करने का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है, बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी मुझे भी तेल लेना होगा है ना, मुझे याद है मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है, बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ यह ले लो और यह। ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं, यह अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जैन तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है, डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है, अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है। और वोइला, यह सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ यह अच्छा निकला, लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी। मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए, और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी इस तरह से। हाँ चलो ये चिप्स तुम ले लो। ओ ये क्या हो रहा है, क्या भूकंप आया है? नहीं क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है, मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ, ये बहुत अच्छा तैयार होगा। लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है, डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन तुम कितना तामझाम कर रही हो, हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह मेरी आँखें रुकी नहीं रही है। वाह क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है, और कितना स्वादिष्ट है, और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है और स्वाद यह भी सामान्य है, मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए,
चलो हाँ ये स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? ये सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छे सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर मुझे थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन, फाइव स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है, तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियाँ काटने का समय नहीं था। जेन क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओ कितना भयानक, ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई, मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया। और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है, छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आके और मार्शमेलो डालती हूँ, बस हो गया। वो हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह हरी जेली के साथ, मजेदार, मैं इसे ट्राई करूंगी। ची कितना बेकार, नहीं मुझे यह सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है, एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह कितना कूल, यह गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया जल्दी बताओ, मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी मुझे भी यह दे दो। ये नहीं आ रहा है, इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओ मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं दो अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओ ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह मैंने इसे यूट्यूब पर देखा है। जेन सावधान, ओह मेरे तले हुए अंडे सब जल गए, कितना भयानक। खैर अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी, दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओ वाह यह मीठा है। वाह बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ मैं ये जानती थी। दादी चलो मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा, मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है, मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ। पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूंगी, मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठे और खट्टे गमी कैंडी।
ओह यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फेस कैंडीज, मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री, यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है। खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था। ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह कितना स्वादिष्ट है, वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ।